जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि भूकुंडा में केंद्रीय विद्यालय जो यहाँ किसान थी, बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, 2008 ईस्वी में यहाँ से केंद्रीय विद्यालय को हटा दिया गया, जिससे अभिभावकों में निराशा छा गई। निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा से 2014 ईस्वी से ही स्थानीय निवासी इस विद्यालय को पुनः प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं, परंतु इस करोड़ों की लागत से बनी केंद्रीय विद्यालय का भवन जर्जर होता जा रहा है। यदि इसकी मरम्मत नहीं की गई या इसे पुनः प्रारंभ नहीं किया गया तो सरकार के द्वारा बनाया गया इस भवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अभी भी लोगों को विश्वास है कि इस स्कूल का ताला खुलेगा और यहाँ की जनता को इसका लाभ मिलेगी। आपको क्या आश्वासन मिला था जयंत सिन्हा द्वारा? 2008 के बारे में नहीं बता सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं। देखिए हम कभी घर चले जाते हैं, कभी आते हैं, बाल बच्चे यहाँ पढ़ता, बहुत सुंदर था। फिर भी क्या 2008 में, मैंने 2008 में बंद हुआ ना, तो जान लीजिए कि हम लोग के रोना पड़ रह गया यहाँ, मैंने रुवाई छूटने लगा। लेकिन अच्छा था माहौल यहाँ के, बहुत वातावरण बाँस उजाते लगती थी, बहुत अच्छा लगता था हम लोग का। अब बहुत सुंदर, इतना सुंदर स्कूल कहीं है ही नहीं था। जिसमें चुनाव लड़ने आए थे सांसद महोदय जयंत सिन्हा, उसमें क्षेत्र में आए थे, क्या आश्वासन दिए थे कि बोले थे कि नहीं हम इसको और सुंदरीकरण करेंगे, सुंदरीकरण बोले थे, सुंदरीकरण करेंगे इसको। और सुंदरीकरण क्या कीजिएगा, आप तो फोटो लिए लीजिए तो देख लीजिएगा। क्या नाम कहवा? हमारा नाम दिलीप कुमार सिंह। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने का 2014 में जब आगमन हुआ तो उस संदर्भ में यहाँ की जनता, मैं स्वयं था, उनसे मिलकर यह बात रखी थी कि आप कुछ करें चाहे नहीं करें, जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ से चला गया है उसको वापस यहाँ लाएं, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने उस समय चुनाव से पूर्व भी आश्वासन दिया था, उसके बाद मैंने लिखित रूप से भी उनको कई आवेदन किया है, वो उस समय भी आश्वासन दिए थे, लेकिन शायद उनके कार्यशैली या उनके सहयोगियों की कार्यशैली के कारण आज स्थिति जहाँ की तहाँ है और क्षेत्र के लोग काफ़ी दुखित हैं और हजारों छात्र छात्राएँ बच्चे अपने भविष्य केंद्रीय विद्यालय के योग्य हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सके, जिसका भविष्य आज बहुत अंधकारमय हो गया है। ये कब से विद्यालय बंद है? ये विद्यालय लगभग 12 साल से बंद है। तो क्या जयंत सिन्हा जीतने के बाद और यहाँ पे आए क्या, चुनाव जीतने के बाद स्कूल के बारे में कुछ? नहीं, कई बार आए हैं, माल्यार्पण हुआ है उनका, लेकिन इस गंभीर विषय पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं किया गया और न उनके द्वारा किया गया। क्या लगता है आपको, क्या स्कूल तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा? विद्यालय खोलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के जो रैयत हैं जिनके जमीन पर केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है, इन रैयतों का कहना है कि वो विद्यालय पहले जो जमीन जो लिया गया था वो जबरन लिया गया था, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति को दान करने के लिए तैयार हैं, जब भी हम लोग से मांगा जाएगा देंगे, लेकिन विद्यालय यहाँ आना चाहिए और हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के चाहते हैं, प्रयासरत हैं कि विद्यालय यहाँ आएगी। आशा ही नहीं, पूर्व विश्वास है, हमारे सांसद महोदय सहयोग करें चाहे नहीं करें, यहाँ की जनता के सहयोग से और भारत सरकार का जब नया गठन होगा तो उनके माध्यम से इस विद्यालय को हम लोग लाने का प्रयास करें।